हुआ करता था, लेकिन आज पहलगाम खाली है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं एक शेर यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा कि वही होता है कि गुलशनों पे राज करने का हक तो उन बुलबुलों को, जो कश्मीर में हम कहते हैं गुलशन उन पर राज करना, बुलबुल गाटन मन राज आलम और पानी दे दिया। मैं आपका मशहूर हूँ आशिफ साहब का, असद रशीद साहब का, क्योंकि आप एक आवाज़ है, आप पूरी, अगर हम कहेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर की आप एक आवाज़ है, जो घर घर जाती है, जो पहाड़ों में जाती है, जो एक जो पास्चरस पे चला जाता है, जो माउंटेनस पे चला जाता है, और लोगों के जो मसाइल होते हैं उन मसाइलों को उजागर करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मशक्कत करते हो, उसके लिए मैं खराज तहसीन आपको पेश करना चाहूँगा। पिछले दिनों आपके हम देख रहे थे कि जिस तरह से जो यूपीएससी एग्जाम जो बच्चों ने पास किया, और उसके बाद जिस तरह से आप उनके पास गए, ये एक हुनर होता है इंसान में, ये एक इसको हम कमिटमेंट कहते हैं कि जो आपको आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ है। तो यहाँ पे आप आए, आप आज आपने जो बात आज जो आपने यहाँ पे बात की टूरिज्म की, मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बताना चाहूँगा तसद्दुक भाई, कि आप पूरे इस पहलगाम को जानते हैं कि इस पूरे पहलगाम में यहाँ के लोगों को कोई मोहलत, कोई वक्त नहीं होता था। अभी आप 5 बजे के टाइम में या 4:30 बजे के टाइम में यहाँ कोई नहीं मिल सकता था। हम यहाँ पे बैठे थे, आपने फोन किया तो आप यहाँ आए, हमारा तो एक मामूल होता है यहाँ बैठने का, यही पे बस यही एक हमने कश्मीर की पहलगाम आज सुनसान है, कैसा आपको लग रहा है? वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम बैठे रहते दिन भर, यही मतलब यही है कि यहाँ पे पूरा पहलगाम जहाँ सुनसानियत की बात करते हैं, जहाँ इस पहलगाम को किस तरह से हमने, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी इस बार नहीं हुई, टूरिज्म भी बिल्कुल नहीं हुआ। जब हम लास्ट ईयर 5 अगस्त से आज तक अगर हम बात करें तो पूरा पहले लॉकडाउन में गुजरा, उसके बाद एक जो हम कहेंगे कि डिस्टर्बेंस जो रही, जो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आए, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हम बात करते थे, जो हम नेशनल, आपको लगता है ये कोविड की वजह से हुआ? देखिए पहले तो जो पिछले साल में जो ये हालात हुए उसकी वजह से हुआ, और इस बार जो एक उम्मीद बनी थी कि मार्च के बाद एक टूरिज्म यहाँ पे खड़ा होगा, और उसके बाद हर किसी को, चाहे वो टेंट वाला था, घोड़े वाला था, होटल वाला था, टैक्सी वाला था, यहाँ का हर किसी तबके हैसियत से जो भी इंसान जुड़ा होता वो हर कोई सोचता था कि इस बार एक बेहतर टूरिज्म होगा, लेकिन नहीं हुआ। और आपने खुद असद भाई, आपने खुद पहलगाम का मुशाहिदा किया होगा, आपने पहलगाम की गलियों का, पहलगाम के हसीन वादियों का आज नज़ारा किया होगा कि क्या हालात है। एक वही कहता है इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है कि वो कहता है कि लुटा चुका था मैं जिनके लिए सारी दौलत, इन वारसी ने मुझे कफन नाप कर दिया। जी, जी, तो ये बरेलवी साहब का है, तो ये मैं कहता हूँ कि वही कहता है कि जहाँ पे हालात हमारे हुए, जहाँ पे अपनों ने हमें हालात पे पहुँचाया, क्योंकि जहाँ से उम्मीद आपको होती तो आपको लगता है कि काफी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और इस नुकसान की तलाशी करना नामुमकिन है। तो और एक दोस्त हमारे साथ, चूंकि हम चाहेंगे, ये जो हमारे अशरफ साहब है, ये इन्होंने नून चाय भी यहाँ पे तैयार रखी है, हम चाहेंगे अगर ये नून चाय भी तब तक सर्व करेंगे एक एक करके। जी जबार साहब, आप भी एक ऐसी आवाज है पहलगाम की कि लगा आप भी ट्रांसपोर्ट के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन पहलगाम के एक सियासत जो सनत है, इसके स्टेक होल्डर है, क्या कहना चाहें? क्या मायूस है पहलगाम के लोग? बहुत मायूस है। जब पिछले साल 2019 5 अगस्त से जब 370 खत्म किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे काम ठप पड़े हुए, पूरा साल हो गया, कोविड हो गया, तो पूरा इस टाइम में हमको फुर्सत नहीं थी घर में बैठने का। जी हम घोड़ी चलाते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ चलाते हैं, टेंट चलाते हैं यहाँ पे, हर सब लोगों का रोजगार चलता था, छोटे आदमी से बड़े आदमी तक, होटल वाले का, घोड़े वाले का, टैक्सी वाले का, दुकानदार का, अभी सब सब पड़े हैं यहाँ पे। जी जी बहुत रोजगार का कभी